ये डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के एकदम समांतर चल रहा है। ये 15,000 साल पहले है। विकासवादी स्मृति तय कर रही है कि आप सिर्फ मानव रूप धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी विकास मूलक स्मृति की ओर देखा और कहा, पहले हम मछली थे। वे ये भी कहते हैं, जब तक सौर मंडल में कोई महत्वपूर्ण बदलाव ना हो, आप शारीरिक रूप से उन्नत नहीं हो सकते। चार्ल्स डार्विन 152 साल पहले, वे 200 साल पहले जन्मे थे, पर जब वे 52 के थे, उन्होंने अपना विकासवादी सिद्धांत दिया। 1,000 साल पहले आदियोगी ने ये कहा था। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी ओर ध्यान से देखें। क्या आप डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, सिर्फ इस तथ्य के बारे में नहीं कि पहले आप बंदर थे, सिर्फ वो नहीं, कुछ और। वो ज्ञान अच्छा है, लेकिन आदियोगी ने कहा, इस ग्रह पर जीवन का पहला रूप में था। खैर, आपने इस बारे में कई अलग अलग तरीकों से सुना होगा, लोगों ने आपको बताया होगा 9 अवतार हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 9 अवतार कौन से हैं? मत्स्य अवतार? नहीं नहीं, कूदिए मत। तुम अवतार? वराह? नहीं। नरसिम्हा? वामन? परशुराम? रामा? कृष्णा? बुद्धा? नौ। अब आपको ये समझना चाहिए, इस समय लोग इन नामों को व्यक्तियों के रूप में देखने लगे हैं और गुणों के रूप में देखिए। जीवन का पहला रूप मछली थी। डार्विन भी सहमत हैं, पानी में था। ग्रह पर दूसरा विकास जल थल दोनों पर रहने वाला जीवन था, कूर्म अवतार, आधा पानी में जो जमीन पर विहार करने लगा। उसके बाद बीच में कई दूसरे प्राणी हैं, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण जीवन स्तनधारी जीवन है। स्तनधारियों में सबसे पहला सुअर है। आज भी आप देखेंगे, आपके पास राजस्थान में जंगली सुअर हैं, आप पाएंगे कि सभी जानवरों में जंगली सुअर या सुअर सबसे ज्यादा भौतिक प्राणी है, कि ये अपने शरीर में इतनी गहराई से जमा हुआ है। अगर लोग किसी जंगली सुअर के शिकार के लिए जाते हैं तो वे उसे आसानी से नहीं मार पाएंगे। हम जहाँ हैं, हम वर्षा वनों के पास में हैं, यहाँ कबायली गाँव है। ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं, मैं 10-12 साल के लड़कों की बात कर रहा हूँ, जब वे वापस आते हैं, अगर उन्हें कोई हिरण दिखाई देता है तो वे छड़ी उठा लेते हैं। वे यूं ही कहीं से छड़ी उठा लेंगे, हिरण पर हमला करेंगे और उसे मार देंगे। मैं कह रहा हूँ कि स्कूल के लड़के बस एक लकड़ी से, दूसरे स्तनधारी इस तरह से बने हैं। आपके सिर पर एक आघात और आप मर जाएंगे, पर एक जंगली सुअर इस तरह नहीं होता। ये आसानी से नहीं मरता, क्योंकि भौतिकता में इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आज भी अगर आप किसी को शरीर से बहुत जुड़ा हुआ देखते हैं, तो आप कहते हैं वो सुअर जैसा है। क्योंकि पिग रिप्रेजेंट्स एक्सेसिव फिजिकलिटी। सुअर बहुत ज्यादा भौतिकता को दर्शाते हैं, तो वे जिस पहले स्तनधारी का वर्णन करते हैं वो एक सुअर है। अगला क्या है? नरसिम्हा, आधा मनुष्य आधा पशु। अगला है वामन, एक बौना मनुष्य। अगला एक पूर्ण विकसित मनुष्य है जो परशुरामा है, लेकिन भावनात्मक रूप से अस्थिर है, इतने अस्थिर कि उन्होंने अपनी ही माँ का सिर काट दिया। अगले हैं राम, एक शांत मनुष्य। अगले कृष्ण हैं, एक प्रेम पूर्वक मनुष्य। उससे अगले बुद्ध हैं, एक ध्यानशील मनुष्य। उससे अगले को एक रहस्यवादी मनुष्य होना है। हर कोई दावा कर रहा है, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। आपको समझना चाहिए, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये लोग सिर्फ उन गुणों के प्रतिनिधि हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो जीवन इस तरह विकसित हुआ। मेरा विश्वास कीजिए, ये डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के एकदम समांतर चल रहा है। ये 15,000 साल पहले है। उन्होंने गलापागोस द्वीप पर जाकर चीजों को माइक्रोस्कोप में नहीं देखा, वे अपनी आंखें बंद करके बैठे और देखा कि अगर आप इसमें पर्याप्त गहराई तक जाते हैं तो इसमें एक विकास मूलक स्मृति है। अगर कोई विकास मूलक स्मृति नहीं होती, मान लीजिए आप एक पुरुष हैं और आप एक तरबूज खाते हैं, कुछ समय बाद ये एक मनुष्य बन जाता है। हाँ? अब आप एक स्त्री हैं, अगर आप तरबूज खाती हैं तो ये स्त्री बन जाएगा। अगर एक गाय तरबूज खाती है तो ये गाय बन जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी मेमोरी, क्योंकि यहाँ विकास मूलक स्मृति और जेनेटिक स्मृति नाम की कोई चीज है।